वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस। द नेक्स्ट सेशन इज सेशन नंबर 9, शॉर्ट एंड फिल्टर द डेटा। एंड व्हाट अबाउट शॉर्टिंग? शॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कि जब आप अपने डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं, देन वो ही क्या होता है, शॉर्टिंग, चाहे वो असेंडिंग हो या फिर डिसेंडिंग। अरेंजिंग द डेटा इन स्प्रेड शीट अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर ऑर्डर आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग इज कॉल्ड शॉर्टिंग। कि जब भी आप स्प्रेड शीट के अंदर अपने डेटा को पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, चाहे वो असेंडिंग हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो, उसमें अगर सेट करते हैं, देन उसे अपन क्या कहते हैं, डेटा शॉर्टिंग। देन कैसे अपन डेटा को शॉर्ट करेंगे, तो इसमें दे रखा है मेथड 1 यूजिंग शॉर्टिंग बटन। कि शॉर्टिंग बटन से अपन कैसे डेटा को शॉर्ट करते हैं, देन सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल ऑफ विच डेटा इज टू बी अरेंज। उस रेंज ऑफ सेल को आप सेलेक्ट करें जिसके आपको डेटा अरेंज करने हैं। देन क्लिक ऑन द डेटा टैब। देन आप क्या करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे और क्लिक द शॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए बटन। यहाँ पे आपको बटन मिलेगा शॉर्ट ए टू जेड या फिर शॉर्ट जेड टू ए इन द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। ये कहाँ मिलेगा अपन को, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में, टू शॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे और देन क्लिक ऑन डेटा टैब एंड क्लिक ऑन शॉर्ट ए टू जेड या फिर जेड टू ए। तो देखिए प्रैक्टिकल अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया, इस डेटा को अपन को शॉर्ट करना है। अब डेटा को शॉर्ट करना है, देन सबसे पहले सेलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन डेटा टैब। डेटा टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ए टू जेड और जेड टू ए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो सपोज दैट मेरे को जेड टू ए करना है या ए टू जेड करना है, देन मैं उस पर क्लिक करूँगा। देन आप देख पा रहे हैं कि आपका डेटा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। सबसे पहले क्या रहा है, तनुजा, देन रिया, देन रिचा, पूजा और कविता। इसको अगर अपन असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं, देन अपन क्लिक करेंगे ए टू जेड। जैसे ए टू जेड करते हैं तो सबसे पहले कविता, पूजा, रिचा, रिया और देन तनुजा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के। नेक्स्ट आपको दे रखा है मेथड 2 यूजिंग शॉर्ट डायलॉग बॉक्स। कि शॉर्ट डायलॉग बॉक्स से भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल ऑफ विच डेटा टू बी अरेंज। रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करें जिसके डेटा आपको क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। क्लिक ऑन शॉर्ट बटन। शॉर्ट बटन अपन को कहाँ मिलेगा, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑफ डेटा टेप। इट मीन्स अगेन अपन को कहाँ पे जाना है, डेटा टेप में ही जाना है। और यहाँ पे जो शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है, इसमें शॉर्ट बटन मिल रहा है। तो जैसे ही शॉर्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, आपके सामने क्या आ रहा है, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स आ रहा है। तो देखते हैं कि द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन। शॉर्ट डायलॉग बॉक्स है ना, वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द कॉलम ऑन विच यू वांट टू अप्लाई शॉर्टिंग। इट मीन्स यहाँ पे आप पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो उस कॉलम को सेलेक्ट करें जिसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्टिंग करनी है। नेक्स्ट क्या करना है, सेलेक्ट द वैल्यू फ्रॉम शॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किस कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, नेम के अकॉर्डिंग करना है या फिर जो आपके इंग्लिश के मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है, हिंदी के मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। तो उस कॉलम को अपन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सपोज दैट मेरे को कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग करना है। देन नेक्स्ट आपका क्या आता है, वो आता ऑन वैल्यूज। देन वैल्यूज के अकॉर्डिंग करना है या सेल कलर के अकॉर्डिंग या फॉन्ट कलर या फिर अपन, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यूज। नेक्स्ट अपन को क्या करना है, सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ शॉर्टिंग फ्रॉम ऑर्डर ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो शॉर्टिंग ऑर्डर है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आपका दे रखा है, वो दे रखा है ऑर्डर। यहाँ पे आपको शॉर्टिंग का ऑर्डर दे रखा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सपोज दैट मैंने यहाँ पे किया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्या करना है, क्लिक ओके। द डेटा विल बी शॉर्टेड एज पर योर चूजन ऑप्शन। कि जिस ऑप्शन को आपने चूज किया उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा शॉर्ट हो जाएगा। देन आप क्लिक करेंगे ओके पे। अभी आप देख पा रहे हैं कि अपन ने कंप्यूटर साइंस के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने शॉर्ट किया है, और वो भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले अपने पास क्या 98 है, देन 98, 87, 76 और 76। तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपका डेटा शॉर्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मैं आपको अगेन आपको बताता हूँ कि जैसे सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया, देन शॉर्ट डायलॉग बॉक्स। इस बार अपन कर रहे हैं नेम के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देन यहाँ पे मैंने ऑर्डर सेलेक्ट किया है, वो किया है ए टू जेड। ए टू जेड मीन्स अल्फाबेटिकली ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। क्लिक ऑन ओके।
अब आप देख पा रहे हैं सबसे पहले कविता, पूजा, रिया, रिचा और तनुजा। तो ऐसे भी आप डेटा शोट कर सकते हैं, इट मीन्स कि आप जो सीधा आपका ए टू जेड बटन या जेड टू ए बटन उससे भी कर सकते हैं, या फिर अपन शॉर्ट बटन पर क्लिक करके भी डेटा को अपन शॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो होम टैब पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है। होम टैब पे अगर अपन हैं यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं कि लास्ट के अंदर ऑप्शन मिल रहा है शॉर्ट एंड फिल्टर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है शॉर्ट ए टू जेड, शॉर्ट जेड टू और कस्टम शॉर्ट। वो तीनों ऑप्शन जो आपको डेटा टैब के अंदर मिलते हैं वही यहाँ पे मिलते हैं। तो आप होम टैब से भी अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।